फर्स्ट ऑफ ऑल जोहार एंड हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक है, क्या हमें ग्रामर सीखना ज़रूरी है स्पीकिंग इंग्लिश के लिए, राइट? तो मेरा आंसर है हाँ, हम लोग को ग्रामर सीखना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट ग्रामर हम लोग इंग्लिश प्रॉपरली नहीं बोल पाएंगे। काफ़ी टेंस इधर उधर कर लेंगे, वर्ब फॉर्म इधर उधर करेंगे, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें स्पीकिंग इंग्लिश के लिए ग्रामर सीखना ज़रूरी नहीं है। तो हाँ, यह बात भी सही है, लेकिन एक्चुअली हम लोग इंग्लिश इन्वायरमेंट पे नहीं रहते हैं। जैसे कोई आदमी इंग्लैंड पे रहता है तो इंग्लैंड का बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है, क्योंकि वो आसपास इंग्लिश इन्वायरमेंट रहता है और बचपन से वो इंग्लिश सुनता है, तो सुन सुन के वो सीख जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग अपने मदर टंग सुने हैं, मदर टंग बोल पाते हैं, तो हम लोग सुन सुन के सीखे, क्योंकि हम लोग के इन्वायरमेंट में वही लैंग्वेज चल रहा होता है, ठीक है? बट हम लोग इंडिया में रहते हैं और हम लोग का इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग को समझ के पढ़ के सीखना पड़ेगा। तो हम लोग को ग्रामर सीखना ज़रूरी है, बट हम लोग को स्पीकिंग इंग्लिश के लिए पूरा ग्रामर पढ़ना ये आवश्यकता नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो हम लोग ग्रामर में दो चीज़ सीखना ज़रूरी है। फर्स्ट चीज़ है वर्ब एंड सेकेंड चीज़ है टेंस। हाँ दोस्तों, ओनली देयर आर टू टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। फर्स्ट वन इज वर्ब एंड अदर वन इज टेंस, चाहे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, और सेकंड चीज़ है टेंस। स्टार्टिंग में आपको टेंस थोड़ा सा क्रिटिकल आएगा, बट टेंस क्रिटिकल नहीं है। आप प्रेजेंट टेंस समझ जाओगे तो पास्ट एंड फ्यूचर टेंस ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। तो ग्रामर का ये दो टॉपिक है, टेंस और वर्ब, ये सीखना हमें ज़रूरी है स्पीकिंग इंग्लिश के लिए। और रही बात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो वो दूसरा टॉपिक है, उसके लिए हम लोग को अलग तरह का ग्रामर सीखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कम्प्लीटली। See you in the next video and don't forget to subscribe our channel.